बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अहमद रज़ा। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 7-8 बज गए। तो रात के जैन भाई की गाड़ी थी, घर सोए हुए थे तो अभी बाहर निकले हैं। तो ये हमें ना माइक मिला, स्पेशल माइक। इसमें हम सोचा वो ब्लॉग का स्टार्ट इधर से करते हैं। माइक से इसको जिस तरफ मर्जी काट लें। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप अब उठे हैं? जी जी ओके। हाँ जी ऑन साहब, हाँ जी ऑन साहब, ऑन साहब की कार बना रहे हो? की कार बना रहे हैं? चटनी आपके लिए बना लाऊं। तो आज किधर जाना? आज कहाँ पे जाना है? झूले पे। गाइस असली अहमद भाई नु घाट के दिन जाने यहाँ पे। अहमद भाई आंदे ने के आज किथे दा प्रोग्राम है। मैं क्या जिथे जाते हो? आंदे ने कोई पता नहीं। मैं कहा मैनू भी नहीं कोई पता। मैं तो कह रहा हूँ आज ना है, आराम से रेस्ट करो जैन भाई गा रही। आप भी सो जाओ, मैं भी आगे सोने लगा। तो देखते हैं आप बाकी क्या कहते हैं जैन भाई। जैसा कहते हैं वैसे भी कार जाए। अहमद भाई मेरी तो सलाह है, अहमद भाई तो कार आ गए हैं। जाओ राजा साहब, असीर साफ हो गड्डी रेड चली है, तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक हो गया अहमद भाई? हाँ जी, ऑन चले घर जाना है। ठीक हो गया, उन भी कह रहा घर जाना। चलिए फिर अहमद भाई, यही चले जाए फिर हूँ ना, घर चलिए। ठीक है शंशु भाई, आप घर चले जाए फिर। ठीक है शंशु भाई, ओके हो गया, लव यू हो गया। चलो अहमद भाई तो जा। तो गाइस अब हम जाने लगे हैं बहरा। हम बहन जान भाई भाई के साथ आज फिर बड़ा बड़ा प्रैंक होना है। अच्छा भाई ना कुछ करना है, कोई सोच नहीं है मगर की करिए करना जरूर है यार। आज की प्रो, आज कोई बड़ा प्रोग्राम कर। बदमाश है? नहीं, तू लगदा बदमाश है। इतो तो सिर कर, हां बदमाश है तू। हां अली बंदा है, उन बदमाश है। हां मैंने नहीं मारा, अली ने मारा। ओहो अली ने मारा, छन्ने ने मारा। ये देखो अब छन्ने ने मारा है। यार क्यों नहीं सन्ने तंग कर रहे हैं? मैंने दोबारा से उर्दू बोलना शुरू कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं, मान लो हो सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम जा रहे हैं अब्दुल हादी और अब्दुल रहमान को स्कूल से लेने। उन्हें छोड़ेंगे घर, तो फिर आएंगे अहमद भाई के पास। अहमद भाई थोड़ा सा घर का काम कर रहे हैं, उसके बाद हम चलते हैं गाँव। तो बच्चों को घर छोड़ दिया ला के। चलो मानिए बैग उठाओ, आदि अब्दुल हादी बाइक उठाओ। ये क्या कर रहे हो हैं? मानिए ये बैग भी पकड़ो और ये वाटर वाटर भी पकड़ो और अंदर चलो जल्दी से। यूनिफॉर्म उतारो जाके, सुबह छुट्टी है। हाँ। चलो अंदर फिर जल्दी। अब्दुल हादी जल्दी जाओ अंदर, आओ भाग के जाओ, भाग के जाओ 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 जाओ। मैं अहमद के घर जा रहा हूँ, वहाँ से अब प्रोग्राम बनेगा। हम कहाँ जाएंगे? तो मैं तो नहा दो के अभी घर से बाहर निकला हूँ। आज जुम्मा भी नहीं पड़ा, जुम्मा का टाइम भी जो है ना वो जुम्मे का टाइम भी निकल गया हुआ है। तो चलेंगे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं अहमद भाई के घर, दोनों के घर जाके फिर सलाह बनाते हैं कहीं घूमने फिरने के प्रोग्राम करते हैं। आ जाएंगे इंशाल्लाह कोई नई जगह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शायद आज कामरान भाई पास आए, वो भी गुजरात में ही है। शायद सलाह बन जाए गुजरात की, प्रोग्राम गुजरात का बने तो फिर गुजरात चलेंगे, अगर ना बना तो फिर डेरे पे ही चलेंगे। आ जाए जल्दी आए। हेलो किधर रह गए यार? ओहो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तैयार हो गए हैं? आपको पता है आपको एक खुशखबरी दूं, मुबारक
खैर मुबारक। आपको एक मुबारक देने लगा हूँ कि मैंने फिर से जो है ना उर्दू ज्वाइन कर ली है क्लास में। क्यों? दोस्त कह रहे थे कि आप उर्दू बोला करें, पंजाबी सूट नहीं करती आज। मैंने बोला कि मैंने फिर ब्लॉग में ना उर्दू ज्वाइन कर लिया, तो आप सब भी उर्दू बोला करें, गुजारिश है आपसे। ठीक है, और कहाँ का प्रोग्राम है आज? बेला बेले वाले डेरे पे आज जाना है। क्या बहराम चले जहाँ कहते हो? वो गाय ली है, उसके पास चलते वो देख के आते हैं। हैं? हाँ। गाय ली है? है? लेट्स गो। अबू चलें? क्या कह रहा है? अली भाई कह रहे हैं मैं सूप पी रहा हूँ, तबीयत नहीं ना ठीक। ओह आजकल मौसम चेंज हो गया सब की तरह। क्या हुआ अली भाई? व्हाट प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, जुकाम लगा हुआ अली भाई को? जुकाम लगा हुआ, डॉक्टर के पास गए नहीं, खुद ही घर हकीम बने हुए हैं। अच्छा, आपने उर्दू ज्वाइन किया कि आप इंग्लिश अंग्रेज बन गए हैं? तो गाइस, हम यहाँ के काफ़ी देर से बैठे हुए थे, अली भाई भी गए हुए थे दुकान पे, वहाँ से सामान ले आए हैं, सूप बना रहे हैं, सूप पी के जाएंगे। उनको जुकाम लगा हुआ, सर्दी रात की लगी हुई है, रात को ना बहुत लेट आए थे। तो प्रोग्राम फाइनली हमारा बना है डेरे का, तो अब हम अली भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी सूप पिए और हम डेरे की तरफ रवाना हो जाएँ। हाँ जी अमन भाई, ये गाइस डेरे पे जाना और जैन भाई को भैंस भी दिखानी है और वीडियो भी जैन भाई ने बना देखो। मैंने सोचा चलो डेरे पे चलते हैं आराम के साथ। गाइस इंतजार की गरिया हुई खत्म, हम जा रहे हैं डेरे पे। अली भाई आने लगे हैं, शहर चले यार, काम थोड़ा नहीं पहले उधर से हो गया। शहर बंदे से एक से मिलने, उसे कॉल करो, नंबर नोट करो, फिर उसको बोल दो ना, फिर अभी ठहर यहाँ भी मेरा बस। चलो संक्षिप्त, तुम उसके पास बैठो, हम आए। तो गाइस शहर से हम वापस आ गए हैं, अब जाने लगे हैं हम डेरे पे। बैठे तो बैठे यार, जल्दी करो अभी दोबारा फिर आए डेरे से, हो गया कभी जरा बाहर जाना ठीक करना है। बैठ बैठ बैठ, डेरे से वापसी आओ तो फिर जाना है। आगे हो गया जान भाई, आइए की हो गया और हो गया लो जी लो जी। अब जान दे रहा मैं, चाहिए चलिए चलें। आज डेरे पे जो सद भाई से काम करना है आज बहुत ज़्यादा। हम गाँव आ गए हैं तो जैन भाई ने नए कपड़े पहने हैं, खुमन साहब को बुलाने लगे हैं। बुला के लाओ, तशवीश ना हो जाती है। आए जैन भाई, बुला के लाओ, मैं बुला के लाओ, दोनों चलते हैं। चलो दोनों चलते हैं, आज ही आप इधर ही रहो। चाबी क्या करनी है, भागनी है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सलाम भाई, की हाल है? की हाल चाल है गाइस? अस्सलामुअलैकुम, ये हमारे चाचू के बेटे हैं क्लेम भाई। हां जी, लगता तो इंजे ही अपने ससुराल गए, उसे काफी दिनों बाद हम मिले हैं। हैं आ जाए मिलना है ससुराल में, क्या ना बाहर लोग बात यार। ओ शनशब तो अली है। तो गाइस मान ली गाँव में आए हैं, तो एक और दोस्त मिले हैं, क्या ज़्यादा क्या लगे और क्या कर रहे हैं आज काम कार? तो किधर जा रहे हैं? ये किसी के घर जा रहे हैं, किसी के घर। अभी इधर आओ ना, डेरे पे चलते हैं, इधर आओ अभी, वो भी आ रहे हैं। किधर से किधर जा रहे हो? चोरियाँ से घर आ रहे हैं। उधर क्या लेना है? पैसे लेने हैं। अहमद भाई भी आ रहे हैं, वेट करो, उन्हें भी आ रहे हैं। तो गाँव से निकल के अब हम डेरे जा रहे हैं। अहमद भाई जो है ना वो दुकान पे गए हैं, अली भाई ये खड़े हैं, तैयारियां जो है ना वो मुकम्मल हो गई हैं डेरे पे जाने के लिए। तो चलें डेरे पे, ओके हो गया। तो गाइस जगह कम है, आज पांच बंदे नहीं बैठेंगे क्योंकि बाइक की एक तार भी टूटी हुई है। तो अहमद भाई को कलीम भाई और शंसद भाई को डेरे पे छोड़ने जा रहा हूँ। ये कलीम भाई ना असद भाई के बड़े भाई हैं, असद भाई का तो आपको पता ही है। अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं बैठे ने गाय देखने, अरे उसका दूध निकाल भाई। आप चुवाई का
ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਇਸ ਹਮ ਕੱਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਡੇਰੇ ਪੇ ਤੋ ਯੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਚਾਵਲ ਕੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕਾਟ ਕਰ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਾ कुटल इकट्ठा कर रहे थे। कुटल कहते हैं पराली को। चलें भाई डेरे पे चलें आप, हम आ जाते हैं। गाइस अली भाई अहमद भाई आ गए हैं, हम दोनों बैठ के जाने लगे हैं। हाँ जी अली भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दो दिन बाद डेरे पे जा रहे हैं तो उधर तो उन्होंने फसल काट भी ली हुई है। हैं हाँ मतलब लोगों ने हैं हाँ वो काशी कुटला इकट्ठा कर रहा है। ओके जाके देखते हैं। फाइनली हम डेरे पे आ गए हैं। डॉगी देखें क्या कर रहा है। ये गाइस फाइनली हम डेरे के पहुंच चुके हैं। ये देखें भाई, ये भाई जो है ना उनके साथ प्रैंक करना था लेकिन चाची डेरे आ गए हैं अपनी कर लो। अली भाई भैंस को ना उसको गाय को गाने ले गए हैं। कुटल इकट्ठा करना भी याद भैंस के उसके लिए गाय के लिए वो इकट्ठा करके उन्हें रखा होगा। नहीं अब ये सारा इकट्ठा करना है। कुटल माधू मारा फोन जी। तो गाइस अहमद भाई ना दोधी से पैसे लेने आए हैं। हाँ जी मैम भाई दूध दो किलो दूध दिया मैंने। ठीक है पी लो थोड़ा मैंने पीने दे दे फिर जाओ तुझे। चलो पी बोलो पीने जाओ तुझे। ओ कह रहे हैं अब्बू से बात हो गई है उन्होंने अब्बू को दे देने पैसे। जी तो कितने से पैसे लेने तो साहब इन्होंने अहमद के बोला है कि हम अहमद के अब्बू को दे देंगे। हमारी मेरी सुंदर ना रेंज अबे यार ना जल्दी भाई क्या हो रहा है गांधी पाजी अहमद भाई आप क्या कर रहे हो। अरे नार रसा बजी है रेडी ना बंदा बोल खोल। हां वो करने लग गया ये दूध नहीं देती अभी। ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਨਸ਼ਬ ਭਾਈ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਗੰਨਾ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਲਿਆਸਤ ਭਾਈ ਨਾ ਆਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦਿਆ ਥਾ ਜੀ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਬਹੁਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਤੋ अभी जो है लंबर इधर ही है उसको क्या कहते हैं चावल नहीं गोए को गोए को लंबर हाँ लंबर कहते हैं गोए को भूल गया गोए याग दे जो गोए को गोबर जी। ये गोबर इकट्ठा करके गन्ने के खेत में फेंका गया था। इस ये खाद की जगह होगी इस्तेमाल हो जाता है ये लगाते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम जाने लगे हैं वज़ीराबाद जो आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुके हैं। तो हम भाई कितनी देर लगेगी हमें आते जाते तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। तो हम जाएंगे भी और वापसी आएंगे भी क्योंकि शनशब और अली भाई इधर ही हैं। एक भैंस नई भैंस आ रही है जिसकी वजह से हमें इधर पड़ेगा जी। अहमद भाई जी एक भैंस आ रही है ना है पूरा कॉल की थी अली भाई को कि आप इधर ही रुकें भैंस आ रही है तो इसलिए फिर अली भाई और शनशब भाई को डेरे छोड़ दिया और मैं और जैन भाई एक वज़ीराबाद काम है उस काम के सिलसिले में जा रहे हैं वापस वज़ीराबाद। हाँ फिर दोबारा आ जाएंगे डेरे पे। हेलो गाइस फाइनली हम वज़ीराबाद पहुंच चुके हैं और हमने जिसको मिलना था हम मिल चुके हैं पार्क हो चुके हैं अब वापसी की तैयारी शुरू। तो हम इसलिए वज़ीराबाद के अंदर से गुजर रहे हैं वो रोड जो है ना तरने की वजह से ब्लॉक हुए हुए हैं तो ट्रैफिक उधर बहुत ज़्यादा है तो सारे रास्ते ना तरने की वजह से ब्लॉक हैं आज तो इसलिए हम वज़ीराबाद के ना अंदर से गुजर रहे हैं। ये अहमद भाई का कारज है शाम भी होने वाली है और डेरे पे भी जाना सीधा
ਮੱਛੀ ਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ जी। तो हम अभी इस टाइम डेरे पे हैं, अहमद भाई खाल ले गए हैं, अली भाई भैंस उसके जो है ना वो चुवाई कर रहे हैं, शनशा वो है, असद और अहमद भाई वो हैं। तो गाइस फाइनली सारे काम कंप्लीट करके अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो अहमद भाई की कमर स्टार्ट हो गई है, तो हम जा रहे हैं अब तो गाइस हम जरा घर आए हुए थे, तो इधर कितनी देर बैठना जैन भाई, बस ब्लॉग जाते वक्त बनाएंगे, आते वक्त ब्लॉग नहीं बना सकते, कंटेनर बहुत ज्यादा भरे हुए थे, तो गाइस ने मोबाइल नहीं बाहर निकालना दिया। गाइस हम आपको ना कंटेनर भी दिखाएंगे, वो धरना दिया हुआ मौलवियों ने, धरना ना वो इस्लामाबाद से आ रहे हैं, लाहौर उन्होंने जाना है, इस्लामाबाद से गुजर के, तो इसलिए कंटेनर पास वगैरह करके पहले ना रोड ब्लॉक भी किया हुआ था लोगों ने, तो पुलिस वालों ने उनको उठा के ले गए थाने, ले गए उनको बंद कर दिया वालों के, तो अब फिर ना वो कह रहे हैं इस्लामाबाद से धरना आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको रोकने के लिए पुलिस खड़ी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितने कंटेनर खड़े हैं और किस वजह से खड़े हैं, ये देखिए पुलिस की गाड़ी है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया ना, तो उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है, इसके अंदर पुलिस ही पुलिस है। अहमद भाई जल्दी से बोल। तो गाइस ये देखिए वो हम अल्लाह वाला चौक पहुँच चुके हैं, तो इधर भी पहले बहुत कंटेनर खड़े थे, अब तो कम हो गए हैं, थोड़े से आगे देखिए ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये देखें इस तरफ देखें आप, उस तरफ रहने, उस तरफ पुलिस का कहीं डंडे मारती है मुझे, ये सारी गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई जी, ये देखें ये पुलिस ही पुलिस है, उन्होंने मुझे देख लिया, वैसे पास नहीं था ना, ये देखें ये गाड़ियाँ भड़का रहे हैं, ये देखें जी। तो लगता है अहमद भाई सुबह चिकन काम तमाम हो जाएगा, नहीं नहीं अभी काफी नहीं, नहीं ब्लॉक रोड ब्लॉक होने का, यानी कि तमाम रोड ब्लॉक से होंगे, सुबह उन्होंने कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जी, तो भाई सुबह कंटेनर लग जाएंगे, हाँ सुबह कंटेनर लग जाएंगे, जिंदाबाद बशर पुत्र। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, अहमद भाई को सर्दी लग रही थी, वो घर चले गए हैं, तो मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे साथ हैं शमशेर भाई, तो आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी खत्म, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।